Hello guys, welcome back again on my YouTube channel, that is Speak Perfect. As you all like to know, in my previous video lecture, I have discussed that what we are going to study in this chapter, right? So I have already drawn a flow chart from this chapter. तो हमने उसमें इंट्रोडक्शन बताया था मैंने आपको कि इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, सारा कुछ डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में इसको थोड़ा आगे और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. तो कंटिन्यू करते हैं किसके साथ? एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, क्योंकि मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि किसी भी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है उसकी स्टडी करने के लिए यू नीड टू गो थ्रू द ऑल सेक्टर. तो उनमें से पहले हमने एक सेक्टर ले लिया. क्या हेडिंग है? एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी. किसी भी इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. तो पहले चलो इस सेक्टर को देखते हैं कि क्या कंडीशन थी इसकी, एग्रीकल्चर सेक्टर की. अगेन तो सम ऑब्जर्वेशंस लिखा है मैंने. ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है, कुछ हेडिंग्स हैं. तो इसका मतलब हम कुछ जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ऑटोमेटिकली फिर आप भी बता दोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्वेश्चन मार्क कैसा था, आप खुद ही डिसाइड कर लोगे. तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड. उन ऑब्जर्वेशंस में देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है. फर्स्ट पॉइंट है हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी. लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो. ठीक है, वेरी लो था. कैसे था लो? इट मींस पर हेक्टेयर प्रोडक्शन. अब मैं इसको रफ कर देता हूं. पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है ये कैसे पता चलता है कि प्रोडक्शन का लेवल लो था, हाई था या मॉडेस्ट था? ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम. ये 1947 सपोज, और आज 2020 इज गोइंग ऑन वैसे तो, बट सपोज कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है 2018 टू 19 फाइनेंशियल ईयर का. ठीक है, इनमें प्रोडक्शन दे रखा है लाइक से वीट का प्रोडक्शन दे रखा है दोनों में पर केजी. लिख देता हूं मैं वीट 1947 में होता था सपोज की 6660 और अब कितना होता है, अब है सपोज कीजिए 3408 समथिंग इस तरीके से. ऐसे ही राइस का प्रोडक्शन. ठीक है, राइस का प्रोडक्शन भी ऐसे होता था 1947 में अराउंड 6 20 680 अप्रोक्स, नहीं है कुछ ऐसे ही 680. और सपोज करो अब है ये हमारा 3214 करके इस ईयर का जो स्टैटिस्टिक्स है. ये जो प्रोडक्शन है मैं बता दूं आपको, ये वीट का पर केजी है, पर केजी पर हेक्टेयर. ऐसे ही इधर पर केजी पर हेक्टेयर. देखिए इट डज नॉट मेक डिफरेंस दैट यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर और नॉट. बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर सेक्टर से आप नहीं हो, आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर बिल्कुल भी नहीं है. हो सकता है आप तो बिल्कुल कभी खेतों में गए भी नहीं हो कि प्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से, बट डोंट वरी आई एम हियर. तो देखिए ये हमारा स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है स्पेशली ये वाला खासकर, क्योंकि 1947 का जो स्टेट्स कलेक्ट किए थे वो तो एक जैसा, फिर भी इसमें चेंजेस आ जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारी इसकी प्रॉब्लम भी है. इस इंडियन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है इसमें एग्जैक्टली जो स्टेट्स मिलेगा उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. जो चीज़ एग्जैक्ट है उनको भी डिस्कस करेंगे हम कि भाई ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, और जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है वो हो जाता है एमसीक्यू में, बट वो इस तरीके से देते हैं अप्रोक्सीमेटली. क्योंकि सपोज करो किसी बुक में डेटा दे रखा है 2018 और 19 का स्टैटिस्टिक्स प्रोडक्शन का, किसी में दे रखा है 20 का, किसी में 15 का. ठीक है, तो एनसीईआरटी है, टीआर जैन वाली है, संदीप गर्ग है, या जो और भी बुक आती है उन राइटर्स के थोड़े थोड़े डिफरेंट मिलेगा स्टेट्स में. बट एनीवे लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है टोटल प्रोडक्शन ही कम होना.
और प्रोडक्टिविटी का मतलब है पर हेक्टेयर कम होना, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब है टोटल प्रोडक्शन कंट्री में, और प्रोडक्टिविटी का मतलब है पर हेक्टेयर जब वैसे निकालते हैं, यानी लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग आपको पता है खेतों को बोलते हैं, खेतों सभी जानते हैं, सभी ने बर्ड सुना होगा। तो उन खेतों में जो प्रोडक्शन करते हैं पर हेक्टेयर, हेक्टेयर क्या हेक्टेयर जिसे बीघा बोलते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं भाई। किसी को मेजरमेंट के तरीके बनाए हुए हैं हमने, सपोज कीजिए ये एक लैंड होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग बोलते हैं खेत। अब इसमें हमने इस तरीके से पार्ट बना दिए, 1, 2 और 3 पार्ट बन गए, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। अब आप किस में मेजर करोगे? देखो जमीन को वैसे तो हम गज में भी कर देते हैं, आपने सुना होगा जैसे प्लॉट लेते हैं तब तो गज में करते हैं कि भी इतना स्क्वेयर फुट है, स्क्वेयर फुट में भी कर सकते हैं, बट बड़े लेवल पे किसमें करते हैं पर हेक्टेयर, ठीक है, पर एकड़। मतलब कहने का मतलब ये है, तो ये डेटा दे रखा है कि ये 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर वीट प्रोड्यूस करते थे हम कब, 1947 में, ये है 1947, ठीक है। अब उसी जमीन से, अब उसी जमीन से या उसी पर हेक्टेयर से अब कितना प्रोडक्शन करने में हम एबल है, 3408 पर केजी, मतलब किलोग्राम, इतना किलोग्राम एक हेक्टेयर में प्रोड्यूस करते हैं, आज हमारी कैपेसिटी ये है। और 1947 में यानी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कितना प्रोड्यूस कर पाते थे, लगभग लगभग 660 किलोग्राम वीट हम प्रोड्यूस कर पाते थे। ऐसे ही राइस का भी डेटा दे रखा है, एंड सो ऑन, बहुत सारी फसल, ये तो एक एग्जाम्पल लिया हमने। तो आप अब एक एग्जाम्पल से देख लो बस, इधर आज उसी जमीन से, यार वही जमीन, वही जमीन है, वही लोग है, ऐसे लोग थे पहले, ये थोड़ी उनके पास कोई 5 और 6 आम स्लैक्स होते थे एग्जैक्टली जैसे आज है, लेकिन ऐसे थे। फिर क्या था, आप देख लो कितने टाइम्स, अप्रोक्स 5 times यानी 5 गुना ज़्यादा, 5 times आप आज प्रोडक्शन करते हो फ्रॉम द सेम लैंड होल्डिंग, उसी जमीन से जो पहले भी ऐसे थी जमीन, आज भी ऐसी। तो ये क्या शो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अभी ये क्या शो करता है वो बाद में डिस्कस करेंगे जब इसका ओवरऑल कंक्लूजन निकालेंगे। तो ये चीज़ क्या शो करती है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन कंपैरिजन ऑफ टुडे, आज के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट टाइम, हमारा जो प्रोडक्शन का लेवल था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो क्या था, काफ़ी लो था। आप ऑब्जर्व कर सकते, ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर दिया लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्शन का लेवल भी और जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर वॉज वेरी लो इन कंपेरिजन ऑफ प्रेजेंट टाइम। ऐसे राइस के केस में आप देख सकते हो तब क्या था, आज कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग जो ऑब्जर्व की गई है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो है हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, इसको डिपेंडेंसी भी कह सकते हैं, डोंट वरी, डिपेंडेंसी वर्ड आप जानते हो, डिपेंडेंसी पे। तो सेकेंड थिंग विच हैज बीन ऑब्जर्व अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, इट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, इट मीन्स गुड रेनफॉल इम्प्लाइड गुड हार्वेस्ट, बैड रेनफॉल इम्प्लाइड बैड हार्वेस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस रेनफॉल पे डिपेंड करते थे, यानी हमारी खेती ही उस पर डिपेंड थी, क्यों थी, बिकॉज वी हैड नॉट परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन, क्योंकि हमारे पास परमानेंट मीन्स नहीं थे इरीगेशन के, परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन का मतलब पानी देने के जो मीन्स, मतलब साधन भी होते, एक तो मीन का मतलब होता है अभिप्राय आप जानते हो, यहाँ पे मीन्स वो है साधन वाला, ठीक है। हमारे पास परमानेंट मीन्स नहीं थे इरीगेशन, वैसे मीन्स ऑफ इरीगेशन होता क्या, कैनल वगैरह है, रिवर वगैरह है, ये होते थे, ठीक है, ट्यूबवेल वगैरह सबमर्सिबल लगवा लेते हैं आजकल, तो
तो इस तरीके का कुछ हमारे पास कोई परमानेंट साधन नहीं था, तो उन परमानेंट मींस नहीं होने की वजह से वी हैड टू डिपेंडेंट ऑन व्हाट, ऑन रेनफॉल। तो रेनफॉल पे हमें डिपेंड रहना पड़ता था। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, सेकंड थिंग, या ये कह लो फीचर एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। थर्ड फीचर एग्रीकल्चर सेक्टर का था हमारा स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग बता दिया, खेतों को बोलते हैं लैंड होल्डिंग। स्मॉल एंड स्कैटर्ड, स्मॉल का मतलब आप जानते हो, स्कैटर्ड का मतलब होता है जो दूर दूर होते हैं। एक ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर का फीचर था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जो खेत थे फार्मर्स के पास वो कैसे थे, स्मॉल थे साइज में, और वो स्मॉल भी कैसे थे, दूर दूर बिखरे हुए थे। यानी एक आपके हिस्से में यहाँ है, हिस्सा लगा रहे हैं आप जिसमें आप खेती करते थे, एक पार्ट यहाँ है, दूसरा पार्ट काफ़ी दूर है। तो इनसे क्या होता है, स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग का ड्रॉबैक क्या है, देखो सपोज कीजिए ये एक लैंड होल्डिंग है, एक खेत है, एक इधर किसी फार्मर के पास खेती करने के लिए टू लैंड होल्डिंग्स है उसके पास, वन टू, जो कि नज़दीक नज़दीक है। सपोज करो दूसरी तरफ उसके पास दो ही है, बट दूसरा फार्मर ऐसा उसके पास एक तो इधर और दूसरा है कम से कम 10 किलोमीटर अवे, 10 किलोमीटर अवे, दूसरी लैंड होल्डिंग इधर है, ठीक है। एक फार्मर जिसके पास नज़दीक नज़दीक है लैंड होल्डिंग एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए, और एक दूसरा फार्मर ऐसा उसके पास भी टू लैंड होल्डिंग्स है, बट उसके पास जो है वो दूर दूर है, एक इधर और दूसरा 10 किलोमीटर अवे। तो कौन से वाले केस है, ये फार्मर ए है सपोज और ये फार्मर बी, तो फार्मर ए अच्छा प्रोडक्शन कर पाएगा या फार्मर बी, फार्मर ए अच्छा प्रोडक्शन कर पाएगा इन लैंड होल्डिंग्स। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब उसके पास जो लैंड होल्डिंग है, खेत है, वो एक ही जगह है, तो ही कैन बेटर मैनेज ऑल थिंग्स, ठीक है। खेतों में जो भी चीज़ें होती, जो भी काम करना होता, फसल बोई जाती है, काटी जाती है, उनकी रखवाली की जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनको अच्छे से कर सकता है ए फार्मर। क्यों, क्योंकि नज़दीक नज़दीक है। बी के सामने क्या प्रॉब्लम, बी के सामने समस्या इस चीज़ की है कि एक तो इधर इधर ध्यान दे या वहाँ ध्यान दे, एक ही जगह दे पाए, फिर आने जाने के इतने साधन भी नहीं थे। आज तो आपके पास बाइक है, आज तो बिना बाइक के तो कोई बात करता ही नहीं है। घर के बाहर कोई अगर शॉप भी है ना ग्रोसरी की, और सपोज कीजिए वो 100 या 100 तो बहुत बोल दिया मैंने, 100 मीटर भी दूर है, उसमें भी बाइक लेकर, बाइक निकालेंगे पहले घर, तो बाइक या स्कूटी चलो सामान लेने के लिए। यहाँ आप 10 किलोमीटर्स की बात कर रहे हो, 5 किलोमीटर की बात कर रहे हो। एक तो बाइक स्कूटी नहीं थी, अब एक जगह से दूसरी जगह जाना खेती करने के लिए सीम्स टू बी डिफिकल्ट, उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, थकान भी ज़्यादा होती है, और अच्छे से मैनेजमेंट भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला फीचर मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका मतलब ये, ठीक है, जो खेत थे वो छोटे छोटे थे और दूर दूर बिखरे हुए थे, जैसे बी फार्मर के पास है, बट बाद में क्या कर दिया, अब ऐसे कर दिया जैसे ए फार्मर के पास है, ठीक है। एक चकबंदी के नेम से टॉपिक है नहीं, आपने पढ़ा होगा। तो उस चकबंदी में क्या है, जो दूर दूर वाले खेत ऐसे थे, ये इनका साइज बढ़ाया, और जो दूर दूर खेत थे उनको एक जगह कर दिया गया, जैसे बी को ये लेके ए को दे दो, इस तरीके से एडजस्ट कर दिया था बाद में, बाद की बात है, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, बी वाली कंडीशन दूर दूर। थर्ड थर्ड था जमींदारी सिस्टम, मतलब कि इसको नहीं करके इसको डिस्कस करते हैं पहले, जमींदारी सिस्टम। एक ये भी फीचर है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का कि उस दौरान जो एग्रीकल्चर सेक्टर था जमींदारी सिस्टम हुआ करता था। जमींदारी सिस्टम क्या है, जमींदारी सिस्टम है कि एग्रीकल्चर यानी खेती को, कल्टीवेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, गवर्नमेंट, ओनर
permanent owner entrance. ठीक है, जो cultivation था agriculture was divided into three parts, three sector, मतलब three parts में कर दिया उन्होंने. किस तरीके से government, किसकी government थी? British. सॉरी, एक चीज मैंने डिस्कस नहीं की कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आप ये तो क्योंकि सभी को पता है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि आज़ादी से पहले किसकी गवर्नमेंट हुआ करती थी, किसके हम गुलाम थे, ये आप सभी जानते हो. ब्रिटिश के गुलाम थे, ब्रिटेन के गुलाम थे, इंग्लैंड इंग्लैंड के गुलाम थे. ठीक है, ब्रिटिश बोलते हैं उनको, ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं. तो गवर्नमेंट ब्रिटिश थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ ऑनर बना दिए लैंड होल्डिंग्स. ऑनर कौन थे? ऐसे मान लो जो उनके तल विचारते थे, ऐसे कह लो, या पहले उन्होंने विरासत खत्म हुई थी, हमारा आज नेशन है वो तो विरासतों में बटा था, या जो विरासती राजा हुआ करते थे उनको राजा वाजा की कोई राजा नहीं है, तो बस ऐसे करो जमीन लो, ऑनर बना. टिलर्स वो है जो लीज पे लेके खेती करता है. लीज आप लोग सभी जानते, किराए पे लेके, रेंट पे लेके, कैसे भी समझ लो आप, पट्टेदार बोलते हैं टिलर्स, राइट. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमानेंट ओनर्स है यानी जो ओनर्स है उनसे कहा कि हमें आपसे इतना लगान लेना, वट एवर, एक फिक्स्ड अमाउंट उन्होंने फिक्स कर दी, अ फिक्स्ड सम. ठीक है, वॉज टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम परमानेंट ओनर्स. परमानेंट ओनर्स से उनको फिक्स्ड एक क्या लेना था, लगान के नाम से मूवी भी आई है, वो ऑनर्स को देना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगान. ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑनर के लिए भी कह दिया कि आप कैसे भी एक्सट्रैक्ट करो, आप एक्सप्लोइट करो टिलर्स को. खेती ये नहीं करते थे, ऑनर जरूर थे, खेती करने वाले थे किसान, टिलर्स जिनको बोलते थे उनको पहले. आज तो किसानों के खुद के खेत है मोस्टली, पहले क्या था, पहले ये लीज पे लेके कल्टिवेशन करते थे. परमानेंट ऑनर्स कुड एक्सट्रैक्ट एज मच एज फ्रॉम टिलर्स, बट इनको परमानेंट ऑनर्स को ब्रिटिश को पे करना ही था एक फिक्स अमाउंट, राइट. तो ये था हमारा जमींदारी सिस्टम, जिसकी वजह से कभी डेवलपमेंट आ ही नहीं पाई एग्रीकल्चर सेक्टर. ये बेचारे क्या करेंगे, लीज पे लेके करते थे. ऊपर से परमानेंट मींस नहीं था हमारे पास, किसका, इरिगेशन का. फसल ही कहाँ होती, थोड़ी बहुत होती थी वो इनको चली जाती थी, इन पैसे ही ले जाते थे, बचा ही क्या, गरीब ही गरीब ही रहे. टिलर्स ऑफ द सॉइल जो फार्मर्स है वो पैथेटिक कंडीशन में रहे, पुअर कंडीशन में रहे हमेशा, इस सिस्टम की वजह से. और इस सिस्टम को बोलते हैं जमींदारी सिस्टम के नाम से जानते हैं. ये तो बाद में ऑनर बनाए गए हैं कि फार्मर्स आपके खेत, आप खेती करते हो आपके हुए, ये तो बाद का काम है, विल बी डिस्कस लेटर, इसको भी करूंगा एक दिन में. ठीक है, बट फिलहाल जमींदारी सिस्टम क्या है वो आपके सामने है, इस तरीके से खेती करना जमींदारी सिस्टम. ठीक, एक और हेडिंग, एक और फीचर एग्रीकल्चर सेक्टर का, अ वेज बिटवीन टिलर्स ऑफ द सॉइल एंड ओनर्स ऑफ द सॉइल. वेज मतलब काइंड ऑफ कंफ्लिक्शन, वेज का मीनिंग एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं टकराव होना, यू कैन से काइंड ऑफ कन्फ्लिक्शन, मतलब इनमें लड़ाई झगड़ा रहता था या बनती नहीं थी, अच्छी टर्म्स नहीं थी इसमें, बिटवीन टिलर्स ऑफ द सॉइल एंड ऑनर्स ऑफ द सॉइल. क्योंकि ऑनर्स को क्या था, ऑनर्स जो है, ऑनर्स वर कन्फाइंड टू एक्सट्रैक्ट द रेंट या यू कैन से लीज फ्रॉम द फार्मर्स एज मच एज दे कुड, जितना वो कर सकते थे उतनी कोशिश करते थे कि भाई इन लीज वालों से इतना वसूला जाए. ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं था कि खेतों के लिए परमानेंट मींस लगाए जाए, इरिगेशन के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ और किया जाए, जैसे पड़े ठीक है बस आ जाता है ना उनके पास. टिलर्स, टिलर्स क्या है, टिलर्स उतना ही प्रोड्यूस कर पाते थे कि बस हार्डली उनका पेट भरे, उतना ही प्रोडक्शन कर पाते थे, डेवलपमेंट कहाँ से हुई. इस वजह से
कन्फ्लिक्शन की वजह से नो एफर्ट वॉज मेड इवन बाय द ऑनर्स और बाय द टर्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कोई एफर्ट किया ही नहीं गया बिकॉज ऑफ दिस. दोनों अपने आप से सीमित, इनकी मजबूरी और इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था, तो कभी डेवलपमेंट ही नहीं हो पाई. एक और हेडिंग रहेगी इसमें, डोमिनेंस, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक और फीचर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, कि जो फार्मिंग होती थी, डोमिनेंस का मतलब है मेन इम्पोर्टेंस, इसको महत्व दिया जाता था सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, नॉट फॉर मार्केट, राइट. सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब है? अपने लिए प्रोडक्शन करना, यानी जो फार्मिंग करते थे, जो प्रोडक्शन करते थे फार्मर्स, वो अपने लिए करते थे, मार्केट के लिए नहीं. क्यों? क्योंकि पहले खुद का पेट तो भरना है. मार्केट में तब सेल करेंगे जब सरप्लस हो, उतना ही हो पाता था उनके पास, ठीक है. तो फार्मिंग जो की जाती थी मेनली किसके लिए की जाती थी? सब्सिस्टेंस के लिए, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो ये हमारे कुछ क्या है, फीचर्स है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. अब इन फीचर्स की स्टडी के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हाउ वाज द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. क्योंकि मैंने बताया था ना डिफरेंट सेक्टर्स की स्टडी करनी अलग, तो अब आप इसके बारे में कंक्लूजन निकालिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था. तो इन पॉइंट्स की स्टडी के बाद तो मैं यही कंक्लूजन निकालूंगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्ड, बैकवर्ड देख लो एंड स्टैग्नेंट, ठीक है. बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट था, क्योंकि किसी ने कोई एफर्ट ही नहीं किया एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ, ध्यान ही नहीं दिया उसको इम्प्रूव करने के लिए कि प्रोडक्शन का लेवल या जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाए, तो वो मतलब स्टैग्नेंट इसके बोलते हैं उसको. तो एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज बैकवर्ड एज वेल एज स्टैग्नेंट, दोनों ही तरीके का था. बैकवर्ड भी था, पिछड़ा हुआ मतलब, और स्टैग्नेंट स्थिर भी था. किस बेस पे था? इस बेस पे, क्योंकि आप देखिए प्रोडक्शन का लेवल देखिए वो वेरी लो, डिपेंडेंसी देखिए तो फुली डिपेंडेंट रेनफॉल पे, यानी आपके अपने पास कुछ मींस भी नहीं थे कि आप कुछ प्रोड्यूस कर सको. इरिगेशन के परमानेंट मींस नहीं से बैकवर्डनेस को शो करता है. इवन इफ यू डोंट हैव परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन, इट शोज योर बैकवर्डनेस, राइट. थर्ड देखे, इनके बीच लड़ाई होती थी ऑनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल के बीच, ठीक है. फिर खेतों की बात करें तो स्मॉल एंड स्कैटर्ड थे, विच प्रूव्ड कॉस्टली, मतलब फार्मिंग प्रूव्ड कॉस्टली, फार्मिंग करना महंगा पड़ता था ड्यू टू दिस फीचर, ठीक है. और नेक्स्ट जमींदारी सिस्टम, बिल्कुल ये तो आपकी गुलामी को शो करता है किस तरीके का सिस्टम था. इनका हमेशा एक्सप्लोटेशन हुआ फार्मर्स का, तो डेवलपमेंट ही कहाँ हो जाएगी. फार्मिंग की जाती थी अपने पेट को भरने के लिए, तो फार्मर्स के पास मनी कहाँ से आएगी अदर थिंग्स को परचेज करने के लिए, ठीक है. तो उनकी कंडीशन क्या आ रही है? उनकी कंडीशन बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़राब ही रही, वो गरीब की गरीब ही रही. तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे हम इन सेक्टर के बारे में डिसाइड कर सकते हैं. सो आज के इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू haven't done so far. If you haven't done so far, thank you.